हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट रिवर और लेक इन योर कंट्री और होम टाउन। अंदर के क्यूज हैं विच वाटर बॉडी इज इट, वेयर इज इट, हाउ डू यू नो अबाउट इट एंड व्हाई डज इट इम्प्रेस यू सो मच। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई नदी या फिर कोई लेक यानी सरोवर के बारे में बात कीजिए जो आपके कंट्री में है या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे है, आपके होम टाउन में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौन सी वाटर बॉडी है, यानी ये रिवर है, लेक है, क्या है, और उसका आपको नाम बताना है। कहाँ पे है ये, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपको इस नदी या फिर लेक के बारे में कैसे पता चला और ये वाटर बॉडी आपको इम्प्रेस क्यों करता है, आप इससे प्रभावित क्यों हो। सो एज यू नो, जैसे ही हमारे दिमाग में रिवर शब्द आता है और अगर हम इंडिया में रहते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक नदी का नाम आता है और वो है गंगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जब ये क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो वो गंगा पे बोलेंगे। सो हमें ट्राई करना है कि हम सबसे यूनिक बोले, इसलिए हमें गंगा पे नहीं बोलना है। मैंने आज जो रिवर के बारे में स्टोरी प्रिपेयर की है वो है इंडस रिवर, जिसे पहले सिंधु रिवर भी कहा जाता था। लेकिन आप चाहो तो आपके शहर में या फिर आपके गांव में कोई रिवर है या फिर कोई लेक है, मान लो वहां से आपके शहर को ज़्यादातर पानी मिलता है, आप उसके बारे में भी बात कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज डिराइव करना होगा उसके बारे में, एंड देन यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो जब हमें एक मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम क्विकली पेपर पर लिखेंगे विच वाटर बॉडी इज इट, रिवर, और फिर उसका नाम इंडस रिवर, वेयर इज इट, नॉर्थ, हाउ डू यू नो अबाउट इट, स्कूल, एंड व्हाई डज इट इम्प्रेस यू सो मच, बिकॉज इट इज अ कॉमन रिवर अमॉन्ग 5 कंट्रीज। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। An interesting and important water body in my country, which I wish to talk about today, is a river and its name is the Indus River. So, हमने यहाँ पे पहला क्यों आंसर किया, एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण वाटर बॉडी जो मेरे कंट्री में है, जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, उसका नाम है इंडस रिवर। सो वो एक रिवर है और उसका नाम है इंडस रिवर। This river impresses me a lot due to one special characteristic. So ये नदी की एक विशेषता है, खास विशेषता है, और इसलिए मैं इस नदी से बहुत ही प्रभावित होता हूँ। So हम यहाँ पे fourth क्यों आंसर करने जा रहे हैं। It originates from Tibet and flows through 4 provinces in Asia, India, Pakistan and China. So इसका origin यानी नदी निकलती है टिबेट से और फिर एशिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना से इसका बहाव होता है। All these countries are sharing the water of the Indus River. So ये सारे जो countries हैं, India, Pakistan, China और Tibet, ये सब Indus River का पानी share करते हैं। This is very unique and fascinating to know. So ये बहुत ही दिलचस्प बात है और बहुत ही अलग बात है। ऐसी शायद ही कोई नदी होगी जहाँ पे उसका पानी दो countries या तीन countries share करती होगी। There are such countries in the world, but this one is very unique because 4 to 5 countries are sharing the water of this river. अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है Speaking Book of Ideas, if you wish to purchase my book which is called The Speaking Book of Ideas, then you can contact me directly on my phone number. मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड डायरेक्टली परचेज द बुक फ्रॉम मी। सो हमने दो क्यू आंसर कर दिए हैं। अब हम बताएंगे कि ये नदी कहाँ पे है, विच इज अवर सेकेंड क्यू। इन माई कंट्री दिस रिवर इज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। सो मेरे कंट्री में ये जो नदी है वो एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ है जियोग्राफिकली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिमालयन रिवर एंड इन द एंशियंट टाइम्स इट वॉज कॉल्ड द सिंधु रिवर। सो हम अब थोड़ा सा रिवर के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये नदी को हिमालयन नदी भी कहा जाता है और पुराने ज़माने में इसे सिंधु नदी भी कहा जाता था। आई केम टू नो अबाउट दिस रिवर इन माई हिस्ट्री एंड जोग्राफी क्लासेज इन स्कूल एंड सिंस माई चाइल्डहुड दिस रिवर हैज इंट्रीग्ड मी अ लॉट। हमें कैसे पता चला वाला क्यू है थर्ड नंबर का। सो हम बोल रहे हैं मुझे इस नदी के बारे में स्कूल में मेरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्लासेस में पता चला और बचपन से ही मुझे इस नदी के लिए बहुत ही दिलचस्पी थी। आई हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दैट इंटरेस्ट मी अ लॉट एज वेल। सो नदी के आजू बाजू जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है और उसमें भी मुझे बहुत दिलचस्पी है।
The Indus River is spread across more than 3,000 kilometers and then finally emerges into the Arabian Sea. So we are still now giving some extra information about the river. हमने सारे क्यूज आंसर कर दिए हैं, बट हो सकता है कि हमें एग्जामिनर चुप रहने को ना बोले. सो बाकी की दो स्लाइड्स मैंने जो बनाई है, दैट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ये नदी 3,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में स्प्रेड है और फाइनली जाके अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है. इट इज़ अमॉन्ग द 50 लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो विश्व की 50 लॉन्गेस्ट जो रिवर्स है उसमें से ये नदी का एक नाम है. दिस रिवर हैज़ अट्रैक्टेड मेनी रिसर्चर्स ऑफ द ग्लोब एंड मेनी ऑफ देम हैव ट्राई टू एक्सप्लोर इट इन द पास्ट. सो ये नदी को बहुत सारे वैज्ञानिकों या फिर रिसर्चर्स जो लोग संशोधन करते हैं उनसे आकर्षण हुआ है और पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों ने भूतकाल में प्रयत्न किया है कि ये नदी के बारे में कुछ रिसर्च करे. द रिवर इज सेरीन एंड ब्यूटिफुल एंड इज अ होम टू लॉट्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ. सो ये नदी बहुत ही शांत है, बहुत सुंदर है और इसमें बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ है. सो मछलियाँ है, मगर है, पेंगुइन्स है, सील्स है. सो यू कैन टॉक अबाउट दैट इफ यू विश टू. Rivers are important part of my country because my country India is an agricultural country and therefore rivers are the backbone of food production. So mera desh agricultural desh hai, isiliye jo nadiyan hai wo mere desh ka backbone hai kyunki uski wajah se hi food production hota hai. India is also surrounded by water from three sides. So India teenon taraf se pani se ghira hua hai. Many rivers like Ganga and Narmada are connected with religious beliefs of people in my country. So bahut sari nadiyan jaise ki Ganga aur Narmada logo ke religious beliefs ke sath bhi connected hai. ये क्यू कार्ड ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक्टिविटी की है पास्ट में या फिर आप करना चाहते हो फ्यूचर में. सो दिस इज़ अबाउट अ रिवर. सो यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलनी है. सो यू कैन से दैट दिस क्यू कार्ड इज इन द प्रेजेंट टेंस. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया, यूनिक लगा, डिफरेंट लगा. गिव मी अ लाइक इफ यू रियली लाइक माई आइडिया. इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलो अप क्वेश्चन है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसके वीडियो की लिंक जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊं. अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे पहले वीडियो लगाऊं, प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट फॉर यू. ऑल द बेस्ट.